वायरस में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखा गया है, वायरल जीनोम में जो चेंजेस देखा गया है, उससे ऐसे एक संभावना या स्थिति पैदा हो सकता है कि जिसमें ट्रांसमिशन जल्द से जल्द फैल जाए, क्योंकि ये बाकी सारे देखिए जो चार वेरिएंट्स था, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा, उसमें अल्फा एंड डेल्टा वो कारगर रहा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी वेरिएंट्स आ जाए, हमें पैनिक या आतंकित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नया वेरिएंट है, वेरिएंट तो आएगा ही, क्योंकि जब वायरल प्रोलिफरेशन होता है चेंजेस आ ही जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे ही वैक्सीन एक ही जैसा वो फेलियर होने का या सक्सेसफुल रहने का चांस रहे। जहां तक ये म्यूटेशंस और स्ट्रेन की बात है, देखिए ऐसा है कि इनकी ये जीनोम टेस्टिंग होती है और सब कुछ होता है, आईसीएमआर ने भी कहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पूरी सरकार जिम्मेवारी से जो भी प्रिकॉशंस लेने होंगे वो लिए जाएंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि अगर फॉरेन ट्रैवल खुलेगा तो ऐसे देश जहां से साउथ अफ्रीका या साडिक कंट्रीज जो है साउथ अफ्रीका रीजन से उनकी क्वारंटीन वगैरह वो सब हेल्थ मिनिस्ट्री उन पे अनाउंस करेगी। Israel, when Delta variant hit them, 100% of adults were vaccinated. And at that time, vaccination of children was being done. Right? So, and vaccine effectiveness of Pfizer in Israel at that time, when Delta variant hit them, was 40%. So this means, and children were being vaccinated from 12 to 15 years at that time. So why children were not affected, why adults were affected? At that time, immunity of adults was waning, while children were nicely immune because their immune system was good. So vaccine effectiveness after third dose of Pfizer vaccine, that is booster dose, rose to from 40% to 93%.